द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस भाई मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग में 10 11 12 कुछ तो बजा है, समझ नहीं आ रहा क्या। रात को बहुत ही गाड़ी घुमाई हमने, रात को घूमने गए थे तो शायद 2 या 3 बजे हम वापस आए। कितने बजे आए तेरे वापस? 4 बजे। देखो कुछ भी करना, अच्छे दोस्त या अच्छी टीम जरूर रखना जो आपके साथ घूमे फिरे, आपको पर सोने दे, दैट्स व्हाट नेसेसरी। लेकिन ये जो लोग है ना, देखो ये दिखा, ये मेरी फेवरेट टीम है। एक वो बैठी लैपटॉप लेके और एक ये बैठा है। अभी कहाँ चलना है? नालागढ़ फोर्ट। ठीक है भाई, तो ये लोग थकते नहीं हैं और सोते तो है ही नहीं, इनकी लिस्ट में सोना नहीं है। तो ये अब हमारा प्लान है नालागढ़ फोर्ट जाने का, जो रात को बंद हो गया था उसके सामने से हम ओके आए। फिर भी पता नहीं क्यों, कि हमें पता है बंद है फिर भी हमें जाना था, पता नहीं क्यों। और ये शायद सोच के निकले थे कि हाँ ठीक है हम आए तो फिर गेट खोलेंगे, कोई लोग आएंगे, फूल वूल बरसाएंगे, पता है बंद है फिर भी गए हम, जीनियस है ना। तो ठीक है भाई, अब नालागढ़ फोर्ट के लिए निकलते हैं, तैयार होकर। तो भाई 2 बज चुके हैं और ये लोग उठ के ही नहीं दे रहे यार। अब मैं कहा चल लो भाई, देखे पड़े यार, और मुझे कह रहे हैं मैं काम बहुत कर। कहाँ काम है, सिर्फ 6 प्रोजेक्ट दिए ड्राइंग के और इसको 6 व्लॉग एडिट करने, वो बेचारा एडिट में लगा हुआ है, मैं कंटेंट दिए जा रहा हूँ, इतना कम काम है। क्या बात है, करो बे, अबे चलो बे, अरे चल लड़े थे खड़े हो ले, फूफा लाग रहा है अपना, चलो खड़े हो ले, चलो बे मारेंगे नहीं थे, ये नहीं खड़े हो रहे, कह रहे सर काम है, सर काम। अरे भैया हमको कंटेंट और चाहिए, हमारी ऑडियंस के लिए हमें बहुत ज्यादा शूट करना है बार। भाई आसान नहीं है व्लॉगिंग, बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। तो भाई अपन निकल चले, खाली अपना झोला और हमारा एक्स्ट्रा रूम का रेंट लगा दिया है, पता है। तो भाई हमारे पैसे ज़्यादा लग चुके हैं, ये मैडम को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम पैसे कम कर दो, पर ये रिक्वेस्ट मान नहीं रही हमारे, तो हम सोच रहे हैं ऐसे ही भाग जाए। गाड़ी निकाल, हमारा 2000 का कट गया है, झोला वो दवाई नहीं भेजते यार। तो भाई ये एक औरत है, लोग क्या क्या चोरी करते हैं, और इसने चोरी की है चीनी के पैकेट। अरे जहाँ भी जाती है चीनी लेती, फिर उसकी लाइनें बनाती, नाक से ले जाती है, मतलब नशे देखे थे इससे नीचे नीचे। तो भाई है भाई लोगों के नशे अपने अपने। और ये आ गए हम नालागढ़ रिजॉर्ट के एंट्रेंस, अजीमो शाह शहंशाह। तो ये पहुंच गए हम, सॉरी तो हम पहुंच गए नालागढ़ फोर्ट। और भाई मतलब देखो राजाओं का तो फायदा तो है ही, और ये बेसिकली ये रिजॉर्ट में जो एक किला है, बेसिकली इसमें आधे हिस्से में राजा जी रहते हैं और आधे में लोगों के लिए खोला हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे डिनर या रिसेप्शन पे आके आप अपना एंट्री कराओ और लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो करना करो, बाकी रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल है, 3000 रुपये, 3500 रुपये पर नाइट है। तो भाई वहाँ से जो होता था वो पूरा पहले चेक किया जाता था, यहाँ पे मतलब दरबान खड़े होते थे कि अगर कोई सैनिक आ जाए या कोई वो हमला करने के लिए आ जाए तो वहाँ से हो रहा था। ये राजे का इधर रूम रहता है, तब हम कर रहे हैं एंट्री। गाइस भाई क्या एको हो रहा है यहाँ पे, देखो सुनो, तुम भी सुनना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई अगर यहाँ आओ तो ये जरूर ट्राई करना। तो भाई अब हम जा रहे हैं खाना खाने की तरफ, और फील ये बिल्कुल यार क्या ज़बरदस्त फील है। और ये ऊपर रूम्स हैं जहाँ पे आप स्टे करते हैं। तब हम चल रहे हैं बार देखने, सबसे पहले कि बार का क्या स्टेटस है। यही बार है क्या? देखो ये टेरेस हो सकता है, देख रहे हो छोटा टेरेस, और कितना सही लग रहा है। ये हमारा डाइनिंग एरिया, और यहाँ में स्पेशल परमिशन मिली है, और यहाँ पे देखो एंटिक में सारा है, तो जो ग्लास पेंटिंग है ना ये हाथ से हुई हुई है जो पहले हुआ करती थी। इधर ये बूफे सिस्टम है, जैसे बूफे, और नीचे सारा मोरक्कन टाइल फिनिश है। हाँ हम खाने के लिए जा रहे हैं। और ये है बार एरिया, और ये कर रहे हैं बार में एंटर, सारा एंटिक फिनिश। अरे वाह पूल व्यू, नाइस। ये राजा जी की फोटो है क्या? हाँ यही मालिक के साथ।
तो विजेंद्र सिंह यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, और बच्चे वगैरह वो यहीं या बाहर रहते हैं? बच्चे सर दिल्ली। अच्छा, दिल्ली रहते हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतपाल है। तो सतपाल जी ने स्पेशली हमारे लिए एक बार बाहर खोल के दिखाया हमको कि जिससे कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकें। और भाई क्या सेक्सी टेबल है भाई, वुडन कार्विंग के साथ। अच्छा उधर भी है? बाहर का एरिया देख सकते। अच्छा बाहर का एरिया है ये। और नाइस, मौसम बहुत अच्छा हो गया, लग रहा है बारिश होगी। दिस इज पूल व्यू। थैंक यू सतपाल जी, ये हम अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो लेट्स गो। इतने रोमांटिक लोग हैं ना, देखो जब हम घुसे थे तो पूरी धूप थी। तो भाई बारिश हो चुकी है बहुत तगड़े लेवल की, और हम दिखा रहे हैं सारी चीज आपको। ओ भाई ये तो खाई है मैं। अरे वापिस चलो भाई। ओए फोन गिर जाएगा भाई, बाईपास में तो जाइए यहाँ से। ओ भाई साहब। और ये भाई किले में बारिश होते हुए हम जा रहे हैं, खुद को बचाते हैं बारिश से। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहाँ जाना है? ए ए ए ए, ए, ए गई, ए कैच, ए वेरी गुड। हाँ भाई, तो अब हमारी टीम कह रही है सर कंटेंट बनाइए। कितना कंटेंट बनाऊँ, कंटेंट ही कंटेंट, और कितना कंटेंट। तो भाई जी तुम्हारा इंटीरियर कोच रहा, तुम मुझे खून दो। देख रहे भाई उस टाइम की ड्राइंग्स कैसी होती थी। और नहीं आ गया टाइटैनिक के जहाज की तरह। ओए होए द ग्रीनरी द पूल, ओ माय गॉड। अरे बहुत सॉलिड हवा चल रही भाई, बहुत प्यारा लग रहा है व्यू। तो भाई हम लेट हो गए थे नालागढ़ फोर्ट में, और शालू जी ने हमारे लिए स्पेशली खाना लगवा दिया, तो थैंक यू सो मच शालू जी। और ये हमारा चैलेंज है कोच। तो भाई नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ आओ तो शालू जी आपको बहुत अच्छे से टेक केयर करेंगे, तो थैंक यू सो मच। और भाई मौसम क्या गदर हुआ है भाई, मज़ा आ गया। तो आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल, द पूल व्यू, हियर इज द पूल, दैट्स द मिनी पूल। ये यहाँ पे स्टेपर्स बने हुए हैं कि अगर आप बैठना चाहो पूल पे, या आधे पैर उसमें करना चाहो, तो दोनों जगह इधर भी उधर भी और यहाँ भी बने हुए हैं, तो अगर आप चिल करना चाहते हैं बैठ सकते हैं। जाना था आर्कोलॉजिकल म्यूजियम, तो भाई वहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है कि वो 5 बजे बंद हो जाता है, और हमें जो टाइम रीचिंग का इधर दिखा रहा है वो है 5:35 का। अब हमें थोड़ी सी गाड़ी को तेज भगाना पड़ेगा, ये देखते हैं कि क्या हम पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। तो लेट्स गो। पहुंच गए और ठीक 5:04 पे गेट में हमें दिख गया, देखें एंट्री है कि नहीं है। ऐसे इसने हमें बेवकूफ बना दिया है, पर हम भी बहुत थक गए। बताओ भाई जा रहा है कि नहीं जा रहा? टीम कह रही है सर वापस चलो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं वापस म्यूजियम, कुरुक्षेत्र में म्यूजियम दिखा देंगे और आप लोग बेवकूफ बन जाना। तब जरा ढूंढते अपनी टीम को, अपनी टीम कहाँ है, और चलते हैं। तो भाई अब हम रुके हैं मैगी खाने के लिए, नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा। बाकी हमारे यश भैया हैं वो गाड़ी चला लेंगे कह तो रहे। और तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ, जो जब भी
जब भी मिलेगी ना उसके दांत हमेशा बाहर दिखेंगे। ये वो लड़की है, उसके अब भी दांत ही दिखेंगे, अब क्या सुगल जाएगी उसको। ये यूज करती है बेसवाक, नीम रगड़ देती है, सुबह लोग घर जाती नीम चुराती है, फिर नीम की डंडी घसती है। हाँ भाई, तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए और भाई थक गए हैं, नींद आ रही है। एक और है हमारे साथ छोटा बच्चा, ये बैठा देखो दांत इसके, नीम का दातुन करती है। कोई बात नहीं यार, अपनी अपनी क्लास होती है सबको, ठीक है। अब ये भी इसकी क्लास है, चार बार दांतों का ऑपरेशन करा है, सारे नकली है। एक तो भाई मुझे ना टीम सस्पेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बेस साले इतना खाते हैं ये, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी यूट्यूब से जो थोड़ी मोड़ी इनकम होती है ना, वो इनको पालने में लग जाऊंगा मैं। लग रहा है मेरे बच्चों का स्कूल का एडमिशन तो होगा नहीं होगा वो पता नहीं, पर इनको खिलाते खिलाते मेरे बाल जरूर उड़ जाएंगे। देखो किसी को मीठा खाना है, किसी को तीखा खाना है। देखो अमिताभ बच्चन लोन ले लो बाप, बहुत खर्चा है। क्या लाना सर आपके लिए, अपना कार्ड दे दो सर, चल रहा है। किडनी ले जाओ निकाल के बेच दो भाई। तो भाई अब एक मस्त थीम दिखाता हूँ जो इंडियन आर्किटेक्चर की, और ये वापस धीरे आती जा रही, टू सिटी बजा ले पहले। अब देखो ये थीम कैसी है, तो मॉडर्न की जगह अगर आप एक सिटी ना रुक रही इसकी, ये देखो तो देख रहे हो ये सारा कर्व फॉर्म में है, और इधर ग्रूव डाल दिए, नॉर्मल टाइल लगी हुई है यहाँ पे इसके ऊपर, और जो बेज फील है इधर, ये इसके ऊपर सारा टेक्सचर पेंट हो रखा है। एसएस फिनिश फ्रॉस्टेड फिल्म, ओ भाई आप बेटे, आई लाइक दिस। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन बॉक्सेस बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, अगर एक सिंगल डिज़ाइन में होता तो थोड़ा और अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। इतना खर्चा करा दिया है, अब तो हम तो सिर्फ नींबू पानी पी रहे थे। अरे भैया छोटी मोटी जगह नहीं रुकते ये, मतलब चुन के रुके हैं, देख रहे हो तुम, क्या कहोगे तुम लोग, मेहनत कर करके पैसा कमाएं हम, साले लाइम सोडा पियो तुम। और बोल भी कैसे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। एक्सपोज्ड कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, भाई साहब आइसक्रीम नहीं खाई है। अच्छा आइसक्रीम नहीं खाई, पियो सालो पियो पियो पियो, कराओ खर्चा। थैंक यू सालो, इस बार बिल तुमसे ही भरवाऊंगा। ये ले भाई, ये गए 500 रुपए अंदर। बहुत अच्छी टीम है, आई लव देम, आई लव देम। यार ये ठंडी को नहीं है, ठंडी होनी चाहिए साले, अब बर्फ डलवाए इसमें। बस इन्हीं को देखो, देखो कैसे ली लेंगे कोल्ड कॉफी का, पेट नहीं भरता इनका। हम तो भाई नींबू पियेंगे, नींबू पानी में फायदा है भाई, जिनकी पॉकेट खराब होती है वो भी नींबू पानी ही पीते हैं। इसके भी साले 150 रुपए ले लेगा, ये दो नींबू काट के खुद ही बना लेते हैं। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको मेरा फेवरेट प्लांट, जो मुझे बहुत लगता है घरों, बहुत अच्छे लगते हैं घरों के अंदर ये। और कमेंट करके नाम बताओ क्या चीज है ये, और दूसरा फेवरेट है ये। तो भाई आ गए हैं वापस हम नोएडा, और हमारे इंटीरियर कोच के यश को हम उतारने जा रहे हैं। टिल देन गुड नाइट, अब मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में।